स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इससे पिछली वीडियो में हमने आपको फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में बताया था बहुत अच्छी तरीके से, और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको बता दी थी। जो भी केमिस्ट्री में होते हैं फॉर्मूले उनके बारे में भी हमने आपको बता दिया था। तो दूसरी रिएक्शन हम लेके आए हैं आज वूवो प्लांक अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे वूवो प्लांक एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इन्होंने जो अभिक्रिया दी इसलिए इस अभिक्रिया के नाम पर, इनके नाम पर ही ये अभिक्रिया रख दी गई। क्या? वूवो प्लांक अपचयन अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया होती क्या है, यहाँ पर देखिए अपचयन क्या होता है। अपचयन आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा, अपचयन का मतलब होता है जहाँ पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आप क्या कहेंगे, अपचयन होता है। किसी भी रिएक्शन में जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अपचयन है, अपचयन वाली अभिक्रिया है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर अपचयन है, अपचयन का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, अपचयन का मतलब आपको समझ में आ गया हो कि क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं कि अभिक्रिया होती क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जहाँ पर CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है जहाँ पर, और जहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है। जहाँ पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को CHO से लिखते हैं, और कीटोन का मतलब जहाँ पर CO होता है, जहाँ पर ये ग्रुप होते हैं उन ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि कार्बनिक यौगिक इन दोनों को बोलते हैं हम, जहाँ पर भी ये दो ग्रुप होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, आपको ये ब्रैकेट वाला लिखना नहीं है, हमने केवल आपको समझा दिया है कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। जहाँ पर भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होगा वहाँ पर हम क्या कहेंगे, कौन सा है ये, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये कार्बनिक यौगिक समझ में आया होगा कि क्या होता है। जहाँ पर भी एल्डिहाइड और कीटोन होगा वहाँ पर हम क्या कहेंगे, क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो देखिए रिएक्शन में क्या है कि कार्बनिक यौगिक का अपचयन कराने पर कोई अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल में हमने IUPAC में आपको बताया था जहाँ पर भी OH आपको दिखेगा नेम में, लास्ट में जहाँ पर भी OH जुड़ा दिखेगा वहाँ पर आप समझ जाएंगे क्या है, अल्कोहल है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन में क्या है इस अभिक्रिया में कि जहाँ पर भी इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड होगा वहाँ पर अल्कोहल बनेगा। किसका, अपचयन होने पर, जब इन कंपाउंडों का अपचयन होगा तो वहाँ पर अगर अल्कोहल बन रहा है तो वो आप क्या कहेंगे कि कौन सी अभिक्रिया है, वूवो प्लांक अपचयन अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, C2H5 OH और Na की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर ऑब्लिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि या तो इसकी रिएक्शन में इसकी उपस्थिति में होगी या इसकी उपस्थिति में होगी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, इन दोनों की उपस्थिति में ही ये अभिक्रिया होती है। जैसे कि हमने पहली वाली जो रिएक्शन कराई थी फ्रीडल क्राफ्ट वाली, उसमें क्या था, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में था। लेकिन यहाँ इस अभिक्रिया में किसकी उपस्थिति होगी, C2H5OH मतलब कि एथेनॉल और सोडियम, इन दो चीज़ों की उपस्थिति होगी तभी यह अभिक्रिया पूर्ण होगी। अब देखिए अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप चाहे CHO वाला कंपाउंड ले लीजिए या CO वाला ले लीजिए, इन दोनों में से कोई भी आप ग्रुप ले लीजिए, तो आपके जब अपचयन कराएंगे तो अल्कोहल ही प्राप्त होता है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर CO वाला ले लें या कीटोन का, तो कीटोन का इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। ये किसका है, एसीटोन। इसका IUPAC नेम में हम इसको एसीटोन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन बोलेंगे। क्यों प्रोपेनॉन बोलते हैं, क्योंकि देखिए तीन कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रोप यूज होता है। देखिए मेथ एज प्रोप, अब CO लगा इसलिए नॉन जुड़ जाता है, क्योंकि कीटोन वाले में हम क्या जोड़ते हैं, नॉन, इसलिए उसका IUPAC नेम क्या हो जाता है, प्रोपेनॉन हो जाता है। वैसे इसका बेसिक सा नेम होता है एसीटोन, इसको हम कहते हैं एसीटोन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर CO वाला लिया था कार्बनिक यौगिक, तो हमने इसका ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसका अपचयन कराएंगे। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए हमने दो हाइड्रोजन लिए, अब किसकी उपस्थिति में होगा, C2H5OH और Na की उपस्थिति में होगा। तो देखिए गिब्स का निशान लगाया हमने और इसके ऊपर ये लिख देंगे, क्योंकि उपस्थिति हमेशा रिएक्शन के ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया, तो यहाँ पर हमने एक कार्बनिक यौगिक ले लिया है और अपचयन कराया है, तो क्या बनेगा, हमारा अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर देखिए हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, अल्कोहल के लिए क्या जरूरत पड़ता है, वहाँ पर OH जुड़ा होता है, ये चीज़ आप याद रखें। तो देखिए यहाँ पर CH3 यहाँ पर इसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर देखिए हमने जैसा लिखा था वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर दो H है, एक H इसके साथ चला जाएगा और एक H अकेला रह जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से O के पास एक H भेज दिया, क्योंकि चूंकि दो H है, दो के लिए एक H हमने यहाँ भेज दिया और एक H हमने अलग बचा था, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर OH है, तो इसका मतलब क्या है, ये अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्यों, देखिए मेथ एथ प्रोप, तीन कार्बन इसलिए प्रोप,
और अल्कोहल है तो क्या जोड़ते हैं लास्ट में, ऑल जोड़ते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर फिर से बता देते क्या किया, इधर वाली चीज जैसे थी वैसे ही रहने दिया, यहाँ पर दो एच थे, एक एच यहाँ पर जोड़ दिया ओ के साथ और एक एच जो बचा था उसको हमने ऐसे लिख लिया। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वूवो प्लांक अभिक्रिया कहलाएगी। ये किसकी उपस्थिति में होती है, C2H5OH और Na की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। आशा करते हैं कि आपको ये वूवो प्लांक अभिक्रिया समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी अभिक्रिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।